Welcome to my channel. I am Simran Sahani. To all the class 12 students, welcome to the important question series of class 12 political science. Aaj padhte hain book 1 ka chapter 3, new centers of power ke most important questions for board exam. So let's start with the question number 1. Pehla objectives of establishing regional organization. Kyun hum log regional organizations banate hain? What is the need for regional organization? तो पहला पॉइंट है, आपको कैसे आंसर करना है हर एक क्वेश्चन को. फर्स्ट आप एक स्टेटमेंट लाइन लिखोगे, देन इन आंसर जो है जो भी होगा वो पॉइंट फॉर्मेट में होगा. डोंट राइट आंसर्स इन पैराग्राफ इन योर पॉलिटिकल साइंस एग्जाम या हिस्ट्री का एग्जाम या ज्योग्राफी का एग्जाम. पैराग्राफ नहीं, पॉइंटर्स लिखने हैं. जितने पॉइंट उतने नंबर पक्के हो जाते हैं. ठीक है गाइस, कि आपने पॉइंटर्स में आंसर करा है, पैराग्राफ में से ढूंढना आपके जो है आपने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है बहुत मुश्किल हो जाता है. तो द परफेक्ट फॉर्मेट इज इन द पॉइंट फॉर्म स्टेटमेंट और फिर पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन. तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो पहला मेक द इकोनॉमी ऑफ द रीजन एट पार विद द ग्लोबल इकोनॉमी. टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट. सब जब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन रीजन की कंट्रीज आपस में जब वो लोग एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जब वो बैठ के बातचीत करेंगे, सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, तो वहाँ से सोशल कल्चर प्रोग्रेस होता है. टू प्रमोट द रीजनल बैलेंस ऑफ पावर. ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ईयू से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे आपके. पहला, व्हाट वाज मार्शल प्लान. तो जो मासिव फाइनेंशियल हेल्प जो अमेरिका ने दी थी फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी केम टू बी नोन एज द मार्शल प्लान. व्हाट वाज व्हेन वाज यूरोपियन यूनियन क्रिएटेड. 1992 में हुई थी. एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय यूएस दैट एडेड इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन स्टेट्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए ने क्या मदद करी थी यूरोप इंटीग्रेशन में. तो यू नो मार्शल प्लान इज द आंसर. मार्शल प्लान के थ्रू उन्होंने उनको फाइनेंशियली रिवाइव करा था, लोन दिया गया था. फोर फैक्टर्स दैट मेक यूरोपियन यूनियन अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन. तो पहला, ईयू वॉज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी. इट्स शेयर ऑफ द वर्ल्ड वॉज 3 times लार्जर देन दैट ऑफ द यूएसए. द ईयूज कंबाइंड आर्म फोर्सेज आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री. इट्स करेंसी यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू यूएस डॉलर. ठीक है, तो ये रीजन है यू के इतना ज़्यादा स्ट्रांग होने के. नेम द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द मार्शल प्लान. तो मार्शल प्लान ने OEEC जो है वो इस्टेब्लिश करी थी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन इन 1948. नेम द करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन. यूरो है. हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर इन यूरोपियन यूनियन. तो गाइस जरा ना करंट मेंबर एक बार गूगल से सर्च करना. ठीक है, और जो ब्री एग्जिट है, ब्रिटेन की एग्जिट जो 2016 में थी, उसको आंसर में मेंशन कर दीजिए. ठीक है, तो प्रॉपर जितने भी मेंबर्स हैं जस्ट सर्च दें एंड फिर आप आंसर को लिखना. नेम द ट्रीटी अंडर विच यूरोपियन यूनियन वॉज क्रिएटेड. टू द ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच्ट. वॉट डज द स्टार्स इन यूरोपियन यूनियन फ्लैग सिम्बलाइज. तो स्टार जो है वो गोल्ड स्टार्स वो सर्कल में है, वो सॉलिडारिटी हारमोनी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप रिप्रेजेंट करते हैं. हाउ मेनी स्टार्स आर देयर. 12 है और ट्रेडिशनली 12 को नंबर माना जाता है यूनिटी का, परफेक्शन का, कंप्लीटनेस का. इसलिए हाउ डिड द यूरोपियन कंट्रीज रिजॉल्व देयर पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रॉब्लम. ब्रीफली आउटलाइन द अटेम्प्ट्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन. अगर यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन का क्वेश्चन आए तो बस आपको इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना है. प्रॉपर एक हायरार्की आपको यहाँ पे ईयर वाइज बतानी है कैसे यूरोपियन यूनियन बना. ठीक है, तो ये आंसर गाइज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया, आप रीड कर लीजिए. एक कीवर्ड टेक्निक से मैं आपको बताऊंगी कैसे आप इन आंसर्स को लर्न करोगे, कि आपको बस कीवर्ड्स लिखने हैं और आपको ये आंसर्स का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा. यू विल बी एबल टू लर्न देम वेरी इजीली. आप पूरा एक इसका जो है चार्ट बना लो, फ्लो चार्ट बना लो, किस तरीके से जो है यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ था. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे रीड नहीं करी हूँ, मैंने चैप्टर में पूरा समझा दिया था. मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बुक एंड इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन यूरोपियन यूनियन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी का ही है गाइस ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है. डोंट थिंक दैट एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस आर नॉट इंपॉर्टेंट. कई बार डायरेक्टली एग्जाम में वही आ जाते हैं. तो ये है व्हाट मेक्स यूरोपियन यूनियन अ हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. अब इस क्वेश्चन में आपको ईयू की इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, ईयू की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और ईयू की मिलिट्री पावर तीनों को एक्सप्लेन कर देना है. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है. अब यहाँ पे 2 मेंबर्स ऑफ द ईयू, ब्रिटेन एंड फ्रांस, होल्ड परमानेंट सीट्स. आपको मेंशन नहीं करना है बिकॉज ब्री एग्जिट हो चुकी है, तो फ्रांस है. बट आप ऐसे कर लिख सकते हो कि या अर्लियर ईयू हैड 2 परमानेंट मेंबर्स, नाउ इट्स ओनली 1 फ्रांस.
डांस, ठीक है, ये मेंशन कर सकते हो, बट अभी प्रॉपर ये वाला पॉइंट नहीं लिखना है। मैंने ये सेम टू सेम इसलिए पेस्ट करा है कि बाय चांस अगर आप ओल्ड बुक को रेफर कर रहे हो तो आप कहीं इस चीज़ को मेंशन करो कि ब्रिटेन ईयू का मेंबर है, ठीक है। ब्रिटेन परमानेंट काउंसिल का तो मेंबर है बट ईयू का मेंबर अब नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमी, मिलिट्री, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एवरीथिंग आई हैव पेस्टेड हियर, तो विद दिस आप इसको चेक कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पावर पे, जो है हमारा एशियान। नेम द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एशियान, हाउ डू एशियान मेंबर्स कमिट टू अपहोल्ड पीस एंड न्यूट्रलिटी, कैसे वो कहते हैं कि हम पीस और न्यूट्रलिटी जो है वो निभाएंगे। तो एशियान इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, एशियान मेंबर्स कमिट टू अपहोल्ड पीस एंड न्यूट्रलिटी बाय फॉलोइंग वेज। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी कम्युनिटी बनाई है बेस्ड ऑन द कन्विक्शन दैट वो कभी भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को वॉर में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। जैसे कि ये नेबर्स है तो टेरिटरी के ऊपर इनके डिस्प्यूट्स होना ऑब्वियस बात है, बट ये कभी भी उसमें वॉर टाइप सिचुएशन में नहीं आएंगे। एशियान हैड सेवरल अग्रीमेंट्स अमंग मेंबर्स स्टेट टू अपहोल्ड पीस न्यूट्रलिटी एंड कॉपरेशन, उन्होंने आपस में प्रॉमिस करा है, बहुत सारे अग्रीमेंट साइन करे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करा है कि ये जो है एक दूसरे के जो है चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के नेचुरल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करेंगे और पीस और न्यूट्रलिटी और कॉपरेशन का माहौल बना के रखेंगे। एशियान रीजनल फोरम वॉज इस्टेब्लिश इन 1994 टू कोऑर्डिनेट सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, और इनकी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को रूल करने के लिए इन्होंने एशियान रीजनल फोरम बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार इट इज़ करेक्ट टू डिस्क्राइब एशियान एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, क्यों एशियान को आप ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर में पढ़े हो। तो एशियान एक इकोनॉमिक एसोसिएशन थी स्टार्टिंग में, एशियान वो एस्टैब्लिश इन 1967 बाय 5 कंट्रीज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। दिस रीजन इज स्मॉलर, काफ़ी स्मॉल है ये रीजन एज कम्पेयर टू द EU, US एंड जापान, बट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियान वॉज टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, और एशियान आज के समय पर रैपिडली ग्रोइंग हो रहा है इकोनॉमी वाइज। तो इस वजह से गाइज इट वी कैन से दैट जो है इट इज़ ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, प्लस जो मार्केट की पावर है एशियान में, इतनी पॉपुलेशन है कंट्रीज में, तो जो मार्केट अप होल्ड करते हैं वो, उससे भी वी कैन डिस्क्राइब इट एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। What is ASEAN? Who are its members? Check this question, guys. What is ASEAN way? तो एक form of interaction, एक दिन होता है इनका सभी का मिलने का, जहाँ informal way में ये non-confrontational मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसे ASEAN way कहते हैं। Name the three pillars of ASEAN. तो in the 2003, ASEAN established three pillars, जो तीन communities थी इनकी ASEAN की, economic community, security community, social culture community. Exam में इन तीनों पे अलग अलग question आ सकते हैं, ASEAN की economic community समझाओ, ASEAN की security community समझाओ, ASEAN की social culture community समझाइए। Explain the ASEAN Vision 2020. तो ASEAN Vision 2020, ओके, तो ASEAN Vision 2020 क्या है, इनका एक विजन है जिसमें इन्होंने सोचा है कि किस तरीके से ये अपने रीजन में जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसको नेगोशिएट करेंगे, एंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ASEAN ने मेडिएट यानी कि मीडिएटरी रोल परफॉर्म करा था कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट में, ईस्ट तिमोर क्राइसिस में, और ये एनुअली मिलते हैं ईस्ट एशियन कॉपरेशन के लिए, और अगर कोई इनको लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसे बैठ के सुलझा लिया जाए रादर देन वॉर एस्केलेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द थ्री पिलर्स ऑफ ASEAN, कम्युनिटी समझाने और उनके ऑब्जेक्टिव्स बताने। गाइज इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी, जैसे कि EU की फॉर्मेशन और EU के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और जो है हमारी इन्फ्लुएंस है मिलिट्री की, वैसे ही ये तीनों कम्युनिटीज पे से आंसर आना बहुत ऑब्वियस रहता है अगर आपको ASEAN से क्वेश्चन आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ASEAN फ्लैग रिप्रेजेंट, तो ASEAN का फ्लैग रिप्रेजेंट करता है पैडी राइस, रिप्रेजेंटिंग 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, दीज कंट्रीज आर बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ASEAN इकोनॉमिक कम्युनिटी, टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन वेज विद इन द ASEAN, टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक एड, टू इम्प्रूव एक्जिस्टिंग ASEAN डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, टू क्रिएट अ फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज ASEAN रीजनल फोरम क्रिएटेड, तो यू कैन चेक दिस आंसर गाइस। नेक्स्ट चाइना के टॉपिक पे आने से पहले वन क्वेश्चन फ्रॉम ASEAN दैट यू हैव टू आंसर, आपको ASEAN के सारे मेंबर्स का नाम कमेंट करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चाइना हैज इमर्ज एज द थर्ड ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, एग्जामिन आपको जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। तो यस, चाइना इज इमर्ज एज अ थर्ड ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर सिंस इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1978, जो 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म चले उसके बाद से चाइना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक हो चुका है। चाइना इज प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द USA बाय द 2040, इसकी जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है
इट मेक्स द ड्राइवर ऑफ द ईस्ट एशियन ग्रोथ, इट्स स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी, इतनी इकोनॉमी है, पॉपुलेशन है, लैंडमास है, रिसोर्सेज है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये सब चाइना की पावर को ऐड कर देता है. व्हेन डिड चाइना एंड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन, जो इन्होंने आइसोलेशन फॉलो करा था वो 1972 में एंड कर दिया था जब चाइना ने अपने ट्रेड रिलेशन स्टार्ट करे थे यूएसए के साथ. व्हाई चाइनीज लीडर प्रपोज फोर मॉडर्नाइजेशन टेक्निक, तो प्राइम जो इनके लीडर थे प्रीमियर जो कहा जाता है जोहू एनलाइन, उन्होंने फोर मॉडर्नाइजेशन टेक्निक लाए थे वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. व्हेन वाज ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस 1978 में बाय द डेंग जियापिंग अनाउंस द ओपन डोर पॉलिसी. डिड चाइना अडॉप्टेड शॉक थेरेपी लाइक सोवियत यूनियन? नो, चाइना ने ये स्मार्ट मूव करा था, इन्होंने शॉक थेरेपी नहीं लाई, ये स्टेप बाय स्टेप इन्होंने ट्रांजिशन करा. ऐसा नहीं कि सारी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सबको एक साथ इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, डिड इट स्टेप बाय स्टेप, दैट वाई दे बिकम सक्सेसफुल. व्हेन डिड चाइना अटैक इंडिया? तो इन द ईयर 1962. विच कंट्री हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर FDI? चाइना. What were the two major policy decision taken by Chinese leadership in 1970s? तो 1970s में क्या major policy decision हुआ था? China ने अपना political economic isolation जो था, जो ये बाकी world trade interact नहीं करते, उसे end कर दिया था. Premier Zhou Enlai ने four modernization technique लेकर आए, और उसके बाद जो है guys, Deng Xiaoping ने open door policy जो है वो announce कर दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना हैज़ बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस इट्स रिफॉर्म. रिफॉर्म के बाद कैसे चाइना इतना फास्ट ग्रो कर रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में, तो इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया. तो मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो क्वेश्चन पेस्ट करूँ जो बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जो मस्ट हैं, बहुत चांसेज होते हैं उनके आने के, सो दैट आप उनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करो, तो आप उसको रीड कर लेना, ठीक है. एक्सप्लेन एनी फोर स्टेप्स टेकन बाय चाइना टू डेवलप इट्स इकोनॉमी. तो शॉर्ट में कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को. तो सबसे पहले चाइना ने अपने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करी यूएसए के साथ, उसके बाद मॉडर्नाइजेशन लेकर आए 1973 में, उसके बाद ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस करी 78 में, और फिर इतने अच्छे तरीके से इन्होंने अपना ट्रांजिशन करा था. जैसे 82 में इन्होंने प्राइवेटाइज एग्रीकल्चर को करा, 98 में जाके, डिफरेंस देख रहे हो, एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रीज को प्राइवेट करने में इनका कितने सालों का डिफरेंस था. ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए फॉरेन कंपनीज MNCs को अट्रैक्ट करने के लिए. ये मेन स्टेप्स इन्होंने लिए इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. एक्सप्लेन एनी सिक्स रीजन फॉर द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी. अगेन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में इतनी बार रिपीट हुआ है गाइस, सो यू कैन चेक इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द कॉजेज ऑफ स्ट्रेंड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना. इंडिया और चाइना के स्ट्रेंड रिलेशनशिप का जो कॉजेज क्या है, तो सबसे पहला जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ओवर द डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द कॉजेज ऑफ स्ट्रेंड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लाइन लिखनी है, उसके बाद मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो बॉर्डर इशू पे स्टार्ट हुआ वो भी लिखना है, टिबेट वाला इशू भी मेंशन करना है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट जो इमर्ज हुआ था 1962 का वॉर, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन दिस, और इसकी वजह से इंडो चाइनीज रिलेशनशिप स्ट्रेन हो गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ कुड दिस बी रिजॉल्व. तो वो जो विजिट वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हो. अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक्सप्लेन द मिरेकल ऑन द हान रिवर. तो मिरेकल ऑन द हान रिवर क्या है? तो व्हेन साउथ कोरिया इमर्ज एज अ सेंटर ऑफ पावर, न्यू सेंटर ऑफ पावर इन एशिया, उसको कहा जाता है मिरेकल ऑन द हान रिवर. बिटवीन 1960s and 1980s इट रैपिडली डेवलप्ड इनटू एन इकोनॉमिक पावर विच इज टर्म्ड एज अ मिरेकल ऑन द हान रिवर, ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं. जापान का भी एक क्वेश्चन हम जो है उसको रीड कर सकते हैं, वो मैं पेस्ट कर दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अब यहाँ पे गाइस आपका जो बुक है, बुक के अकॉर्डिंग NCERT में जितने इमर्जिंग सेंटर्स ऑफ पावर थे, EU, ASEAN, चाइना, जापान और साथ ही के साथ में साउथ कोरिया, चारों के बेसिस पे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं. अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडेड टॉपिक इस चैप्टर के, जहाँ पे ब्रिक्स, इंडिया, रशिया, इसराइल, यहाँ से इसराइल का क्वेश्चन बहुत बार आया अभी रिसेंट ईयर्स में, तो वो मैं आपको अभी नहीं कर रही हूँ सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज. उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, पार्ट टू एडेड टॉपिक का अलग से वीडियो, उसको जाके देख लो. चैप्टर में भी मैंने ऐसे ही करा था, एडेड टॉपिक की वीडियो अलग है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो. तो इट इज वॉर टेक बेस्ट ऑफ लक. अगर आपको नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो यू कैन एक्सेस द गाइड दैट आई हैव अपलोडेड ऑन इंस्टाग्राम. छापे हर चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समरीज गिवन है. कोई क्वेरीज है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो पिन कॉमेंट में से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो. तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.